हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है रॉबिनसन क्रूजो। सो देरी किस बात की, लेट्स गो। मूवी की शुरुआत होती है एक शिप से जिसमें कुछ समुद्री लुटेरे कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें एक आइलैंड नजर आता है जहाँ आग लगी हुई थी और वहाँ पर एक बंदा भी रस्सी से लटका हुआ था, यानी वहाँ पर फंसा हुआ था। फिर वो लुटेरे उस आइलैंड में जाकर उस बंदे को बचाकर अपने शिप में ले आते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि उस बंदे का नाम था रॉबिनसन और उसके साथ एक बोलने वाला पैरट भी था जिसका नाम था मैक। मैक वहाँ पर डिस्टर्ब करने लगता है, इसलिए रॉबिनसन उसको शिप के बाहर रहने को कहता है। वहीं दो रैट्स होते हैं जिनको मैक रॉबिनसन की पूरी कहानी सुनाता है। अब सीन शिफ्ट होती है पास्ट में, जहाँ हम देखते हैं कि मैक अपने फ्रेंड्स के साथ एक आइलैंड में बहुत खुशी खुशी अपने लाइफ जी रहे होते हैं। उसके फ्रेंड्स के नाम होते हैं एपी, कार्मेलो, रोजी, किकी, स्क्रबी और पेंगो। वही एक शिप में हम देखते हैं रॉबिनसन को जो उसके डॉग और अपने साथियों के साथ खजाने की तलाश में निकले होते हैं। लेकिन तभी अचानक बहुत तेज तूफान आने लगती है जिससे रॉबिनसन अपने डॉग को लेकर बेसमेंट में चला जाता है जहां दो कैट्स भी होते हैं जो हमेशा भूखे रहते हैं। रॉबिनसन के बाकी साथी किसी तरह अपनी जान बचाकर एक बोट से भाग जाते हैं, लेकिन वो अपने डॉग के साथ उसी बेसमेंट में फंस जाता है। वही मैक और उसके फ्रेंड्स भी तूफान की वजह से किसी सेफ जगह ढूंढने लगते हैं और बहुत मुश्किल के बाद फाइनली उनको एक गुफा मिल जाती है। फिर जब सुबह होती है तो हम देखते हैं कि रॉबिनसन का शिप उसी आइलैंड में आ टकराती है जो कि पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके बाद रॉबिनसन अपने डॉग के साथ शिप से निकलकर आइलैंड में आता है। उन दोनों को देखकर बाकी सब काफी डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी इंसान को देखा था। लेकिन मैक काफी एक्साइटेड था क्योंकि उसका सपना था कि वो दूसरे दुनिया जाकर एक्सप्लोर करे और उसे लगता था कि रॉबिनसन किसी दूसरे दुनिया से ही आया है। पर उसके फ्रेंड्स रॉबिनसन को आइलैंड से भगाने के लिए बहुत शोर मचाने लगते हैं जिसकी आवाज सुनकर रॉबिनसन भी काफी डर जाता है और उसे लगता है कि यहाँ पर कोई खतरनाक चीज है, इसलिए वो अपने डॉग को लेकर तुरंत वहाँ से भागने लगता है। लेकिन ऊंची लहरों की वजह से वो कहीं जा ही नहीं पाते और दोबारा आइलैंड में आ जाते हैं। अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए अपने शिप में किसी तरह वो दोनों रात काट लेते हैं। फिर अगली सुबह रॉबिनसन शिप से जरूरी सामानों को एक एक करके आइलैंड में ला रहा था। वही मैक और उसके फ्रेंड्स छुपकर उसको देख रहे थे। वो सभी जानना चाहते थे कि रॉबिनसन आखिर कर क्या रहा है। यही हम देखते हैं वो दोनों कैट्स को जो कि रॉबिनसन के शिप के बेसमेंट में थे, वो भी किसी तरह उस तूफान से बच गए थे और इसी आइलैंड में आकर छुपे थे। अब जैसे कि वो हमेशा भूखे रहते हैं, इसलिए उनका प्लान था कि मैक और उसके फ्रेंड्स का शिकार करके उनको खाना। दूसरी ओर रॉबिनसन को शिप में एक गन मिलती है जिससे वो शूटिंग की प्रैक्टिस करने लगता है। फिर कुछ टाइम के बाद वो अपने डॉग के साथ जंगल में शिकार करने जाता है। सामने उसे रोजी मिलती है पर उसे उसके ऊपर दया आ जाती है, इसलिए वो उसको नहीं मारता और वहाँ से भगा देता है। फिर वो अपने डॉग के साथ मछली पकड़ने जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों कैट्स मैक को पकड़ लेते हैं और उसको खाने की कोशिश करते हैं, पर सही टाइम पर रॉबिनसन और उसका डॉग आकर उसको बचा लेते हैं। पर वो बहुत घायल हो चुका था, इसलिए रॉबिनसन उसको अपने शिप में ले जाकर ठीक कर देता है। वही दूसरी ओर मैक के बाकी फ्रेंड्स को उसके कुछ पंख मिलते हैं और इसी का फायदा उठाकर वो दोनों कैट्स उन सभी को भड़का देते हैं कि रॉबिनसन एक बुरा इंसान है। वो मैक को अपने साथ ले गया, इसका मतलब वो पक्का उसको मार कर खा जाएगा। फिर वो सभी उन कैट्स के साथ मिलकर रॉबिनसन और उसके डॉग पर हमला करने का प्लान बनाते हैं, जिसके बाद वो दोनों कैट्स शिप में जाकर मैक और उस डॉग पर हमला करते हैं। वही रॉबिनसन बाहर होता है और उस पर भी बाकी सब एक साथ हमला करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि शिप में आग लग जाती है और वो डॉग उसमें फंस जाता है। वो कैट्स और मैक तो किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाते हैं, लेकिन शिप ब्लास्ट होने की वजह से रॉबिनसन का डॉग उसमें मारा जाता है। फिर अगली सुबह मैक सबको बता देता है कि उन कैट्स ने तुम सबको बेवकूफ बनाया, रॉबिनसन बुरा इंसान नहीं है, उसने ही मुझे उन कैट से बचाया था। जिसके बाद वो सभी रॉबिनसन के पास उससे माफी मांगने जाते हैं और उसे कुछ फ्रूट्स देकर वहाँ से चले जाते हैं। वही उन कैट्स के बहुत सारे बच्चे पैदा हो चुके थे और उनका प्लान था कि जब उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो मैक और बाकी सब पर एक साथ हमला करके उनको खाएंगे। वही धीरे धीरे करके रॉबिनसन उन सबसे दोस्ती कर लेता है और वहाँ रहने के लिए एक छोटा सा घर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो टूट जाती है। फिर वो एक पेड़ के ऊपर घर बनाने का डिसाइड करता है और उसी काम में लग जाता है। बाकी सब भी उसको देखकर धीरे धीरे समझ जाते हैं कि वो एक घर बना रहा है और वो सब भी उसकी मदद करने लग जाते हैं। फिर बहुत दिनों के बाद वो फाइनली एक घर बना ही लेते हैं जिसमें सभी मजे से अपने लाइफ जीने लगते हैं। रॉबिनसन ने मदद के लिए एक वॉच टावर भी बनाया हुआ था, पर बहुत दिन बीत गए लेकिन अभी तक उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया था। वही हम देखते हैं उन कैट्स के बच्चे भी अब बड़े हो चुके थे। फिर वो सभी किसी तरह किकी को पकड़ लेते हैं, लेकिन सही टाइम पर मैक आकर उसको बचा लेता है। लेकिन वो कैट सब सीधा जाकर रॉबिनसन के घर में सब पर अटैक करने लगते हैं। रॉबिनसन अपना गन रेडी कर रहा होता है कि उस पर भी बहुत सारे बिल्लियां हमला कर देते हैं। वही बाकी सब अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं और एक एक करके सभी कैट्स को चकमा देकर नीचे गिराने लगते हैं, लेकिन वो अब भी बहुत सारे होते हैं। इसी बीच रॉबिनसन भी बेहोश पड़ा होता है
जिसके बाद मैक अपने फ्रेंड्स की मदद से गन उठाकर एक बारूद के बंडल में शूट कर देते हैं, जिससे एक धमाका होता है और सभी कैट्स वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन मैक और उसके फ्रेंड्स जानते थे कि वो पक्का दोबारा आएंगे, इसलिए उनसे छुटकारा पाने के लिए वो सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं। मैक किसी तरह चालाकी से उन सभी कैट्स को वॉच टावर के ऊपर ले आता है, जिसके बाद उसके बाकी फ्रेंड्स वॉच टावर को गिरा देते हैं, जिससे सभी कैट्स पानी में गिर जाते हैं। वही हम देखते हैं एक कैट ने रॉबिन्सन के घर में आग लगा दिया था और रॉबिन्सन भी जस्ट अभी अभी होश में आया था। फिर मैक उसकी मदद करता है, जिससे रॉबिन्सन एक रस्सी के सहारे नीचे लटक जाता है। और ये वही सीन था जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। अब सीन दोबारा प्रेजेंट में आती है, जहां रॉबिन्सन उन लुटेरों को कहता है कि मुझे प्लीज अपने घर छोड़ दीजिए, लेकिन उनका कैप्टन कहता है कि नहीं, अब तुम हमारे टीम का मेंबर बन चुके हो, अब से तुम हमारे साथ काम करोगे। लेकिन रॉबिन्सन उनकी बात नहीं मानता और वहां से भागने की कोशिश करता है। वही एक छोटे से रैप्ट में कुछ कैट्स अभी भी बचे हुए थे, जो उसी शिप की ओर जाने लगते हैं। तभी रॉबिन्सन भी किसी तरह उस रैप्ट के ऊपर आ गिरता है और दोबारा उस आइलैंड की ओर जाने लगता है, जिसके बाद उनका कैप्टन भी कहता है कि जाने दो उसको, वैसे भी उस आइलैंड में जंगली जानवर उसको खा जाएंगे, वो ज्यादा दिन तक नहीं बचने वाला। फिर रॉबिन्सन उस आइलैंड में चला जाता है और डिसाइड करता है कि अब से वो उसी आइलैंड में सबके साथ रहेगा, जिसके बाद वो सभी खुशी खुशी वहाँ रहने लगते हैं। और इसी तरह ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो आई होप गाइस कि आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।